नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और इसी क्रम में मैं एक ये जो अपना बैकलाइट का एक और वीडियो है, लगभग पिछले वीडियो से सिमिलर है, लेकिन नया कुछ ज़्यादा बैकलाइट में मैं इसको आपको हैवी नहीं दिखाना चाहता कि बहुत बड़ा है, आपको समझ में नहीं आएगा। अब बेसिक जब समझ गए तो स्कीमेटिक में समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो एक बार फिर से दोबारा से बना रहा हूँ ताकि पिछले में मान लो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो अगले में कवर हो जाए। तो देखिए, चलो इस सर्किट को हम समझ लेते हैं एक बार। बैकलाइट हमारा जो ड्राइवर सर्किट है वो किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले बैकलाइट सर्किट के लिए जो हमारा सप्लाई जाने वाला है वो कितना वोल्ट होगा, क्या होगा, वो अलग अलग सर्किट पे डिपेंड करता है। वो हम जब स्कीमेटिक के वीडियो बनाएंगे तो उसमें हमको देखने को मिलेगा, वहाँ क्लियर लिखा होगा कितना वोल्ट है और उससे आउटपुट कितना है बन रहा है। वो डिपेंड करता है हमारी कितनी LED लगी हैं अंदर, कितना वोल्टेज उनको ज़रूरत है, ठीक है, इनपुट का भी कितना, जो SMPS है वहाँ कितना सप्लाई बन रहा है। बेसिक चीज़ ये है कि वो बढ़ता कैसे है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है, वो आप समझ गए तो वोल्टेज कितना है और आगे कितना बढ़ रहा है वो तो इस IC पर डिपेंड करता है कि कितना ये बूस्टिंग कर रही है। और LED का आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, कितनी LED अंदर लगी है। एक LED का लगभग 3-3.5 वोल्ट आसपास लेकर के आप अराउंड कैलकुलेशन कर सकते हो। 3.5 वोल्ट भी एक LED का आप मानो तो जितनी LED लगी है इंटू 3.5 या 4 करके देख लो, लगभग उतना वोल्टेज आपका रहेगा। ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग उसके आसपास रहेगा। तो देखिए, यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा। ये जो ड्राइवर IC है, सिंपल सी बात है, इसको वर्क करने के लिए VCC या VDD वोल्टेज की ज़रूरत रहेगी। तो समझ लो यहाँ से इसको ये VDD वोल्टेज मिल गया। ये VDD वोल्टेज जितना यहाँ से इनपुट है वो सेम टू सेम दे दिया, तो इसके लिए ज़्यादा वोल्टेज नहीं हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर ही कुछ मैकेनिज्म होता है, वहाँ से वो वोल्टेज जेनर डायोड एक लगा दिया जाता है, जितना इस IC को ज़रूरत है उतना वोल्टेज वो वहाँ से, उतने वोल्टेज का जेनर डायोड लगा दिया जाता है। यहाँ आप कितने वोल्टेज दो, वो अंदर जेनर जो लगाया है वो जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से वोल्टेज IC ले लेती है। तो ये अलग अलग IC पे डिपेंड करता है कि उसका सर्किट क्या है, ठीक है। मेनली यही है कि इसको सप्लाई चाहिए, जो भी IC लगी होगी उसको वर्क करने के लिए VCC वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ से दो या अलग से दो, जहाँ से भी आएगा उसको VDD फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। VDD मिलने के बाद में वो रेडी पोजिशन में हो जाएगी, अंदर उसके जो भी फंक्शंस हैं वो सबको इंटरनल सप्लाई जो बननी है वो बन जाएगी। उसके बाद जैसे ही उसको इनेबल वोल्टेज मिलेगा वो अपना SW पिन से स्विचिंग क्रिया करना, मतलब यहाँ गेट के लिए ऑन ऑफ पल्स रहेगी। ऑन ऑफ पल्स रहेगी तो ये देखिए यहाँ से क्या, ये एक MOSFET लगा हुआ है। ये MOSFET के आप सिंबल से समझ सकते हैं कि एन चैनल MOSFET है, ड्रेन पर सप्लाई यहाँ से जुड़ा हुआ है और यहाँ सोर्स है। इसका सोर्स क्या है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड है। ये जो रेजिस्टेंस है ये करंट सेंस रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये यहाँ से इसका एक तरह से फीडबैक जाता है, CS करंट सेंस। ये चेक करता है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, ये IC है, ये डिसाइड करती है कि इस ट्रांजिस्टर या MOSFET के थ्रू अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितनी स्पीड से स्विचिंग हो रही है। ये इसका इंटरनल फंक्शंस के लिए है, ठीक है। तो इससे ये स्विचिंग इसका कंट्रोल रहता है। ये एक रेजिस्टेंस है, करंट सेंस, कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको सेंस करती है ये IC। उसके बाद जैसे यहाँ ऑन ऑफ होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी हम TCON वाले सर्किट में समझ चुके हैं कि ये कैसे वर्क करता है, फिर एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव सप्लाई आएगी, ठीक है, ये सिरा, अगर यहाँ कोई स्विचिंग नहीं हो रही तो क्या होगा, ये सप्लाई सीधा सीधा आकर के आपको यहाँ आउटपुट में यहाँ देखने को मिलेगी। जितना इनपुट है उतना ही आपको आउटपुट पर वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा। किस कंडीशन में, जब ये MOSFET स्विचिंग क्रिया नहीं कर रहा है या IC वर्क नहीं कर रही है, जितना इनपुट है लगभग उतना ही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। जब यहाँ से स्विचिंग क्रिया शुरू हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे 100 किलोहर्ट्ज़ से 400 किलोहर्ट्ज़ के बीच में कोई भी फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट हो जाती है। ये जो RT पिन है इसका, ये रेजिस्टेंस लगा है इसके थ्रू, ये इसका फ्रिक्वेंसी फिक्स कर दिया जाता है, कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है उस हिसाब से 100 से 400 किलोहर्ट्ज़ के बीच में इसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स हो जाती है। उस फ्रिक्वेंसी से मान लो ये ऑन ऑफ करता है तो यहाँ पर ये पिन
जब ये मॉसफेट ऑन होगा तो क्या होगा, ये सिरा क्या हो गया, सीधा एक ग्राउंड हो गया, ये बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है तो सीधा ये ग्राउंड हो गया। तो जिस समय पर यहाँ पर ग्राउंड है और यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज है तो ये क्या होगा, ये इंडक्टर है, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये चार्ज को अपने अंदर स्टोर करेगा। तो जिस समय स्टोर कर रहा होगा उस समय ये सिरा इसका प्लस होगा और ये सिरा इसका ग्राउंड है तो ये माइनस होगा, ठीक है। जैसे ही ये ऑफ होगा उस समय इंडक्टर की प्रॉपर्टी है बैक, जिसको बोलते हैं बैक ईएमएफ जो होता है, तो ये सिरा हो जाएगा इसका माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से जो इनपुट वोल्टेज हो रहा है उसके सीरीज में हो गया। दो बैटरी को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, प्लस से माइनस जोड़ते हैं फिर दूसरा प्लस होता है, इस तरह से जुड़ती हैं सीरीज में। तो जो इनपुट वोल्टेज है वो और इसने जो स्टोर किया था वोल्टेज वो दोनों सीरीज में होकर के जुड़ जाते हैं और ये जो डायोड लगा है इससे क्या होगा, रेक्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पल्स जनरेट होते ही, यहाँ से रेक्टिफाई होने के बाद में, रेक्टिफाई होने के बाद में उसको फिल्टर जरूरी है, फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगा दिया जाता है, तो यहाँ पर आउटपुट पे वोल्टेज मिल जाएगा। अब कितना वोल्टेज मिला है उसको चेक करने के लिए ये डिवाइडर सर्किट के थ्रू यहाँ पर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नाम दे दिया इसको, कि जितना अपने को यहाँ वोल्टेज चाहिए उतना ही बनना चाहिए। तो ये डिवाइडर सर्किट के थ्रू यहाँ पर सेंस किया जाता है कि कितना वोल्टेज पहले से फिक्स कर दिया जा रहा है, भाई इतना वोल्टेज मिल रहा है इसका मतलब ओके। हाँ, अगर किसी कारण से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज हो गया तो यहाँ पर आपका वोल्टेज कम या ज़्यादा हो सकता है, खासकर ये जो रेजिस्टेंस लगा है ऊपर वाला, इसकी वैल्यू को अगर आप कम ज़्यादा करोगे तो यहाँ पर आपका वोल्टेज कम या ज़्यादा हो सकता है। तो कई लोग पूछते हैं सर एलईडी स्ट्रिप है, वोल्टेज कम या ज़्यादा कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका मैंने एक वोल्टेज डिवाइडर का ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसको आप देख लो कि ये कैसे इसको आप चेंज कर सकते हैं या वेरी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाएगा। ये तो हुई वोल्टेज कम या ज़्यादा करने की बात, नॉर्मली जितना वैल्यू का लगा है सर्किट में उतना लगा है तो ये ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करती है ये आईसी इन दो रेजिस्टेंस के थ्रू। अगर यहाँ पर कुछ वेरिएशन आ गया तो यहाँ वोल्टेज आपका कम या ज़्यादा होगा, अगर ये इसमें वेरिएशन की वजह से वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो ये आपकी एलईडी उड़ सकती है। मान लो एक एलईडी उड़ गई फिर आप दूसरी स्ट्रिप लगाओ दूसरी भी उड़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है और उस वोल्टेज ज़्यादा होने का रीज़न क्या हो सकता है, ये आईसी स्विचिंग फास्ट कर रही है, उसमें उस कंडीशन में ये जो रजिस्टर्स लगे हैं दोनों आपके, खासकर ये ऊपर वाला, इस रजिस्टर की वैल्यू को ज़रूर चेक करें, अगर इसमें वेरिएशन आ गया होगा तो यहाँ पर आपका वोल्टेज बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए ये एलईडी स्ट्रिप आपकी लगी है मान लो अंदर, उसके बाद इसका जो दूसरा सिरा आता है वो डायरेक्ट ग्राउंड से नहीं होता, इनको एलईडी को जलने के लिए क्या चाहिए, एक तो पॉजिटिव चाहिए, दूसरा सिरा यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ग्राउंड होना चाहिए। तो ग्राउंड इसको डायरेक्ट नहीं किया जाता है, इसके बीच में भी एक मॉसफेट लगा दिया है, एक तरह से आप बोलो एक स्विच लगा दिया, ये जब ऑन होगा तभी ये एलईडी जलेगी। ये ऑन कब होगा, जब ये आईसी चाहेगी, मतलब पीडब्ल्यूएम पल्स ये आईसी इसको देगी, इसके गेट को ऑन करेगी, जब इसका गेट ऑन होगा यहाँ पल्स जनरेट नहीं होंगी, मतलब कंटिन्यू ऑन ऑफ नहीं होगा, ये केवल एक बार पल्स दे देगी, ये ऑन हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू यहाँ से करंट फ्लो होगा, कंटिन्यू करंट फ्लो होगा तो इसको ग्राउंड मिलता रहेगा, ये आपकी जलती रहेगी। अगर यहाँ पर ऑन ऑफ होने लगा तो ये भी ऑन ऑफ होगी आपकी, क्योंकि ये माइनस बार बार मिलेगा, इसलिए ये पीडब्ल्यूएम पल्स इसको एक तरह से गेट ऑन के लिए मिल गई। जैसे इसका गेट ऑन हो जाएगा ये कंटिन्यू यहाँ से ग्राउंड हो गया। अब यहाँ पर ग्राउंड होने से पहले भी कुछ रेजिस्टर्स लगा दिए गए हैं। अब ये रेजिस्टर्स जो लगे हैं, इन रेजिस्टर्स के द्वारा क्या होता है, इन एलईडी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट को कंट्रोल किया जाता है, और यहाँ से इसको, यहाँ मैंने लिखा नहीं, ये फीडबैक है, तो ये इनमें यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको यहाँ से फीडबैक ले लिया जाता है। सपोज ये चार आपके रेजिस्टेंस बहुत कम वैल्यू के होते हैं, ये चार रेजिस्टेंस लगे हैं, अगर आप एक रेजिस्टेंस को हटा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर टोटल आप रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करो तो ये चारों पैरेलल लगे हैं, पैरेलल लगे हैं, अगर एक को हटाओगे तो यहाँ हटाने से ऐसा लगता है कि जो रेजिस्टेंस वो कम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस को हटाओगे तो यहाँ पर ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं।
तो जब एक को हटाओगे तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ब्राइटनेस आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, इसका मतलब करंट यहाँ पर करंट का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर एलईडी के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आपको कम करना है तो आप यहाँ ये जो रेजिस्टर्स लगे होते हैं ये स्विच के बाद में, ये रेजिस्टर्स को हटा करके आप कम कर सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस लगा दिया है तो आप करंट को बढ़ा सकते हैं। रेजिस्टेंस लगा दिया इसका मतलब क्या हुआ, हमने ओवरऑल रेजिस्टेंस को यहाँ पर कम कर दिया है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लें, यहाँ चार रेजिस्टर्स पैरेलल लगे हुए हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन जो होती है टोटल आप इनका इक्विवेलेंट निकालो तो अलग होता है, कम हो जाता है। पैरेलल में अगर लगे हैं और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो वो कम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रेजिस्टर्स जो हैं ये करंट कंट्रोल का काम कर रहे हैं, ये रेजिस्टर्स जो है वेरिएबल रेजिस्टर्स, आप मतलब यहाँ से अगर इसको वेरी करोगे तो इस पॉइंट पर आपको वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो कि अगर हमें जैसे एलईडी स्ट्रिप लगाया है उसको वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा करना है या थोड़ा कम करना है, तो उस केस में आप ये रेजिस्टर्स को एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लेके उसके हिसाब से चेंज करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। और करंट की जहाँ बात आती है कि करंट फ्लो, इसमें जो अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे ही इसको BL ऑन मिलेगा ये स्विचिंग क्रिया शुरू हो जाएगी, और ये जो एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट के थ्रू भी इसका डिमिंग का जो है कि कम ज़्यादा होता है वो इस पिन से भी होता है। इसका इंटरनल फंक्शंस हैं वो सारे इसी अपने आप वर्क करती है। तो मेनली जो हमारा बैकलाइट ड्राइविंग का सर्किट आता है वो सिंपली इसी टाइप का होता है। अभी यहाँ पर देखो मैंने केवल एक ही LED स्ट्रिप मान लिया है कि एक LED स्ट्रिप इस तरह से जलेगी। सपोज आपकी चार लगी हैं तो चारों के लिए बिल्कुल ये जो दो चीज़ें हैं इनका अलग से बना होगा, मतलब दूसरी स्ट्रिप के लिए दूसरा MOSFET लगा होगा और उसका जो PWM है वो अलग से नंबर दे दिया जाएगा, PWM 1, PWM 2, PWM 3, PWM 4, और चारों का फीडबैक अलग से ले लिया जाएगा। तो इस तरह से चार पांच स्ट्रिप को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिप जलनी चाहिए किस समय पर, कौन सी बंद रहनी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि चारों स्ट्रिप को एक ही MOSFET से कंट्रोल किया हो, चारों को लाके यहीं ज्वाइंट कर दिया और फिर AC के द्वारा इसको कंट्रोल कर लिया। तो ये आपके सर्किट पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरनल सर्किट किस तरह से बना हुआ है और कैसा बना हुआ है। वो आप जो IC लगी आपकी ड्राइविंग IC उसकी डाटा शीट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट जो है वो किस टाइप का हमारा हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।